माइग्रेन्स या हेडेक एक बहुत बड़ा फिज़िकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़, और अगर ये जो अनट्रीटेड रहते हैं या बहुत क्रॉनिक हो जाती हैं तो इससे आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। दिस इज़ डॉक्टर साइमा ज़हूर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइग्रेन पेन एंड हेडेक्स इश्यूज़ एंड व्हाट आर द बेसिक कॉजेस, इसके ट्रिगर्स क्या हैं और किस तरह से हम एक्यूपंक्चर से आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। माइग्रेन पेन जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और देखा गया है कि हर एज के बच्चे स्पेसिफिकली या फीमेल्स इसके ज़्यादातर जो है वो पेशेंट्स होते हैं। इसके क्या ट्रिगर्स हैं, किस वजह से हो सकता है, अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो ट्रिगर में जो सबसे पहला रीज़न है या कॉज है वो स्ट्रेस है। बेसिकली अपनी स्ट्रेस को मैनेज ना कर पाना, प्लस वेदर चेंजिंग, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि ह्यूमिडिटी वेदर है तो ह्यूमिडिटी वेदर जो है वो ज़्यादा कॉज करता है माइग्रेन पेन को। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ माइग्रेन। आपकी डाइट का इनटेक सही ना होना, कुछ लोग कैफीन पे बहुत ज़्यादा होते हैं, चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है जैसे कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग बच्चियाँ अक्सर हैबिचुअल होती हैं कि वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अपना स्किप करती हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ कॉज करती है माइग्रेन पेन को। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब हम बात करते हैं कि इससे एक्यूपंक्चर के जरिए हम आपको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। एक्यूपंक्चर जो है इसमें हम नीडल्स की इंसर्शन करते हैं, और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है लोगों को कि अगर नीडल माइग्रेन के लिए लगाई जाएंगी तो शायद सारी नीडल जो हैं वो हेड पे लगाई जाएंगी या स्कैल्प पे होंगी या पेनफुल होगा। तो आज मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको थोड़ी सी अवेयरनेस दूं कि माइग्रेन पेन के साथ बहुत सारे लोग जो इसकी सीवियर इमरजेंसी में भी आते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है वो ये होती है कि उनको या तो वॉमिट आ रही होती है या नाउजिया फील हो रहा होता है हेडेक के साथ, जो कि उनके लिए बहुत उनको अपसेट कर रहा होता है। तो थ्रू एक्यूपंक्चर हम इन चीज़ों को भी सबसे पहले इमरजेंसी को भी कंट्रोल करके, उसकी हेडेक और माइग्रेन को पेशेंट की कंट्रोल करके सबसे पहले हम उसको काम करते हैं, और जिसके बाद रिलैक्स होने के बाद जो है मेरा ख्याल है सिर्फ 20-25 मिनट्स लगते हैं इस सेशन में, और पेशेंट यूजुअली जो है इतने रिलैक्स होते हैं कि ड्यूरिंग द सेशन कई दफ़ा सुकून से उनको नींद भी आ जाती है। ये चीज़ है कि अगर आप बहुत एक क्रॉनिक माइग्रेन के पेशेंट हैं और आप देखते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ या इंजेक्शंस भी वर्क नहीं कर रही, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड यू कैन टॉक टू योर एक्यूपंक्चरिस्ट फॉर अ सेफ एंड हेल्दी ट्रीटमेंट। और एक्यूपंक्चर इससे आपकी बहुत अच्छी और बहुत एक टू द पॉइंट हेल्प करेगा इंशाल्लाह। अगर आपको एक्यूपंक्चर के बारे में कोई भी मालूमात चाहिए या आपको मेरी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।